दुनिया की हर मिलिट्री चाहती है कि उसके पास वर्ल्ड क्लास आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हों, यानी ऐसी मजबूत और आर्मर्ड गाड़ियां जो बैटलफील्ड में उनके सोल्जर्स को आसानी से ले जा सके और भयानक गोलीबारी से भी उनको बचा सके। साथ ही में ये एपीसीज दुश्मन पर भी बुलेट्स और ग्रेनेड्स फायर कर सकती हैं और अकेले अपने दम पर किसी भी वॉर का रुख बदल सकती हैं। आज की इस वीडियो में हमने ऐसी ही दमदार आर्मर्ड गाड़ियां लिस्ट करी हैं और इसमें से एक गाड़ी तो भारत में ही बनी है जो चाइना के ट्रुप्स को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं इन आर्मर्ड व्हीकल्स को। BTR-4 यूक्रेन में बनाया गया एक बेहतरीन आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल है जिसे 2008 में यूक्रेन की आर्मी के लिए बनाया गया था। इस व्हीकल का बेस मॉडल सोल्जर्स को 7.62 mm की बुलेट्स, माइन ब्लास्ट और किसी भी तरह के शेल से प्रोटेक्शन दे सकता है। इसके अलावा BTR-4 में 30 mm की कैनन, 7.62 mm की रोटेटिंग मशीन गन और 30 mm के ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स प्रोवाइड करे गए हैं। BTR-4 की टॉप स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है और एक बार में इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। यूक्रेन के अलावा इस आर्मर्ड व्हीकल का यूज इंडोनेशिया, इराक और नाइजीरिया जैसे देशों ने भी सक्सेसफुली करा है। मिलिए पैंडर 2 से, जिसे एक ऑस्ट्रियन कंपनी ने बनाया है और ये एक 8x8 आर्मर्ड व्हीकल है। इस व्हीकल को रीइंफोर्स्ड स्टील से बनाया गया है जिसकी वजह से ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ, माइन ब्लास्ट प्रूफ, आईडी रेजिस्टेंट और बैलिस्टिक प्रूफ भी है। बात करी जाए इस व्हीकल की फायर पावर की तो इसमें आपको मिलेगी एक 30 mm की कैनन, 7.62 mm की मशीन गन और 77 mm के स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स। इस व्हीकल में 14 सोल्जर्स एक साथ बैठ सकते हैं और करंटली इस आर्मर्ड व्हीकल को ऑस्ट्रिया के अलावा चेक रिपब्लिक, इंडोनेशिया और पोर्चुगल भी यूज कर रहे हैं। टर्की का बनाया गया आर्मा आर्मर्ड व्हीकल दुनिया के कुछ सबसे स्टाइलिश और साथ ही में पावरफुल आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स में से एक है। इसका हाई स्ट्रेंथ स्टील इसको माइन ब्लास्ट, आईडी ब्लास्ट, रॉकेट्स, बुलेट्स और कैनन फायर से बचा सकता है और इसीलिए यह दुनिया के सबसे सेफ आर्मर्ड व्हीकल्स में से एक है। इस व्हीकल में अलग अलग मिशंस के लिए वाइड वैरायटी के वेपन्स फिट करे जा सकते हैं। इसमें 7.62 mm या 12.7 mm की मशीन गन फिट करी जा सकती है। साथ ही में इसमें 20 mm की कैनन और 30 mm की गन भी लगाई जा सकती है या फिर आप इसमें ग्रेनेड लॉन्चर्स भी फिट कर सकते हैं। यह व्हीकल एम्फीबियस है, यानी यह पानी और जमीन दोनों पर आसानी से चलाया जा सकता है। पेश है आपके सामने अमेरिका का सबसे ज्यादा यूज होने वाला आर्मर्ड पर्सनल कैरियर स्ट्राइकर। करंटली यूएस आर्मी इस व्हीकल के 4000 यूनिट्स का इस्तेमाल कर रही है। इस व्हीकल में 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल मशीन गन है, साथ ही में ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स, एंटी टैंक मिसाइल और अपना खुद का वेपन स्टेशन भी है। ये व्हीकल एक बार में 9 सोल्जर्स को कैरी कर सकता है और ये उनको माइन ब्लास्ट, ग्रेनेड अटैक्स और 7.62 mm की मशीन गन फायर से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। करंटली इस आर्मर्ड व्हीकल को यूएस के अलावा थाईलैंड भी यूज करता है। पेश है आपके सामने भारत में टाटा मोटर्स द्वारा बनाया गया कैस्ट्रेल, जो एक मॉडर्न आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है। इसमें मशीन गन, माइन ब्लास्ट और एक्सप्लोजिव ब्लास्ट को झेलने की बहुत शक्ति है। इसमें 30 mm की रिमोट कंट्रोल कैनन और रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है। साथ ही में इसमें 7.62 mm की कोएक्सल मशीन गन भी फिट करी गई है। इसके अलावा यूज के अकॉर्डिंग इसमें 40 mm के ग्रेनेड लॉन्चर्स, 2 एंटी टैंक मिसाइल्स और 12.7 mm की मशीन गन भी फिट करी जा सकती है। 2019 में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करने का आदेश दिया था और इसको DRDO और टाटा मोटर्स ने मिलकर डिजाइन और प्रोड्यूस करा है और अब ये इंडियन आर्मी का अब तक का सबसे मॉडर्न आर्मर्ड पर्सनल कैरियर बन चुका है। बॉक्सर नाम का ये व्हीकल काफी एडवांस्ड आर्मर्ड व्हीकल है। इस फाइटिंग व्हीकल को जर्मनी और नेदरलैंड्स ने 1988 में साथ मिलकर बनाया था। बॉक्सर व्हीकल में
7.62 mm की मशीन गन प्रोवाइड करी गई है। इसके अलावा इसमें 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन भी है जो एक बार में 100 राउंड्स फायर कर सकती है। इस बीस्ट आर्मर्ड व्हीकल में CCTV कैमरा, थर्मल इमेजर और लेजर रेंज फाइंडर भी मौजूद है। इस ऑल टेरेन व्हीकल में 8 फुली इक्विप्ड सोल्जर्स एक टाइम पर बैठ सकते हैं। अभी तक बॉक्सर की सिर्फ 539 यूनिट ही मैन्युफैक्चर हुई हैं और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी इन APCs को बनाने का टेंडर ले लिया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ दमदार और बेहद पावरफुल आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल फ्रिंगो HD को सब्सक्राइब करके साथ में बने बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।